Good morning, class. In today's video, we are going to discuss chapter number 3, multiples and factors. So, let us first understand what multiples and factors means. Multiples or factors ka matlab kya hota hai? Pehle hum ye samajh lete hain. Here, multiples are the numbers which are obtained by multiplying the given number by 1, 2, 3 and so on. क्या मीनिंग है इफ आई हैव नंबर सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2 तो 2 के मल्टीपल्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स ऑफ 2 देन मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2 को 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनसे मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स ऑब्टेन होंगे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट without leaving any remainder. So all these numbers are factors of 12. और इस टेबल से आप एक चीज देख सकते हो कि 1 will be factor of every number because 1 से हम हर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. So 1 will be factor of all the numbers. Also the greatest factor of any number will be the number itself. किसी भी नंबर का जो greatest factor होगा वो वही नंबर होगा. तो अभी हमने यहाँ पर मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स जिसमें पूरा चैप्टर बेस्ड है उसके बारे में डिस्कस किया कि मल्टीपल्स क्या है मल्टीपल्स वो नंबर है जो हम किसी भी दिए हुए नंबर को 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें मिलते हैं और फैक्टर्स वो नंबर है जो किसी भी दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं सो दीज वर द टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर विच वी हैव डिस्कस मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स Now let us move forward and discuss some of the important types of numbers. आपने types of numbers आपकी earlier classes में भी पढ़ा हुआ है, so we are just proceeding the same topic, types of numbers. So here what types of numbers we have? Odd and even number. You all know about odd and even numbers. Odd numbers क्या हैं? Odd numbers which cannot be divided exactly by 2, which they will करने पर वो एग्जैक्ट
numbers. Okay. Now see here I am writing some of the numbers like 2. अब मैं 2 के factors की बात करूँ, जैसा आपको पता है factors are the numbers which can divide the given number exactly. अगर 2 के factors की बात करें यहाँ पर, तो 2 के factors होंगे जो 2 को divide कर सकते हैं, वो है 1 and 2. Okay? Similarly, अगर मैं 3 के factors की बात करूँ, तो 3 के factors है 1 and 3. 3 को 1 से भी divide कर सकते हैं, 3 से भी divide कर सकते हैं. If I talk about 5, 5 के factors होंगे 1 and 5. Similarly, if I talk about 7, 7 के factors होंगे 1 and 7. If I talk about 11, 11 के factors होंगे 1 and 11. So in all these examples, you can see कि हमारे पास ये ऐसे कुछ numbers हैं जिनके सिर्फ दो ही factors हैं. या तो number खुद है, either the number itself or 1.
डिविजिबिलिटी रूल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय टू। अगेन कोई भी दिया हुआ नंबर टू से कब डिवाइड होगा ये कैसे पता चलेगा? आप सिर्फ उस दिए हुए नंबर की वंस प्लेस की डिजिट को देखिए, वंस प्लेस डिजिट। अगर वहां पर 0, 2, 4, 6 या 8 लिखा हुआ है तो वो नंबर टू से डिविजिबल होगा। इफ एनी नंबर इज हैविंग 0, 2, 4, 6 और 8 एट इट्स वंस प्लेस देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय टू। वो कितना भी लार्ज नंबर हो आप उसे देख करके बता सकते हैं कि वो टू से डिविजिबल है या नहीं। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट 3, सो द नंबर्स सपोज एनी नंबर इज गिवन टू अस लाइक दिस नंबर, ओके। अब मुझे चेक करना है इट्स अ लार्ज नंबर कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम यहाँ पे डिविजन का लॉन्ग प्रोसेस नहीं अप्लाई करेंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई दिस रूल, ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया हुआ है उसके सारे डिजिट्स को हम प्लस करके देखेंगे। 6 + 7 = 13, 13 + 2 = 15, 15 + 5 = 20। ये जो सम हमें मिल रहा है अगर ये 3 का मल्टीपल है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। एम आई क्लियर? टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, यू जस्ट ऐड ऑल द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। इफ द सम इज मल्टीपल इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन दैट नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। इफ द सम is not a multiple of 3 or is not divisible by 3, then that number will not be divisible by 3. Now, similarly, if we talk about divisibility rule for 4. 4 के लिए अगर हम divisibility rule की बात करते हैं, suppose any number is given to us, like a number 53,328. अब मुझे बताना है कि क्या ये number 4 से divisible है? तो हम इसके लिए जो लॉन्ग प्रोसेस है हमारा डिवीजन का वो करने नहीं बैठेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई दैट लॉन्ग डिवीजन मेथड। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक द लास्ट डिजिट्स ऑफ द नंबर, ओनली द लास्ट टू डिजिट्स। ओके, एज 28 यू कैन सी 28 एंड वी ऑल नो दैट 28 इज डिविजिबल बाय 4। 28 4 से डिविजिबल है, so it means this given number 53,328 is also divisible by 4. So ये जो rules हैं it will make your work much easier, आपका काम और ज़्यादा आसान कर देंगे if you know all these rules. So to check the divisibility by 4 you must check the last two digits of the given number. If the last two digits are divisible then the whole number will also be divisible by 4. Clear? Now if we talk about 5, you have to just check the ones place digit. What you have to check? Ones place digit. If the digit is 0 or 5, then that number will be divisible by 5. Agar aapko 5 se divisibility check karni hai, तो आप वंस प्लेस की डिजिट देखिए, वहाँ पे 0 या 5 लिखा हुआ है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ये देखिए 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, मीन्स अगर किसी नंबर के लास्ट प्लेस में वंस प्लेस में 0 है तो वो 2 से भी डिविजिबल है और वो 5 से भी डिविजिबल है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 6, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, तो 6 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज यहाँ पर इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? 7 को हम स्किप कर रहे हैं, 7 हमारे कोर्स में भी नहीं है, हम 7 को नहीं डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट 8। जैसे अगर हम 8 की बात करें, जैसे हम 4 की बात कर रहे थे हमने दिया था लास्ट टू डिजिट्स, बट जब हम 8 की बात करेंगे तो हम लेंगे लास्ट 3 डिजिट्स। अगर किसी भी नंबर की कोई भी लार्ज नंबर हमें दिया हुआ है, सपोज यहाँ पे 4,500
आपको सिखाया है, यू ऑल गॉट इट एंड यू गोना सॉल्व दिस